हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ पर आगे की कहानी शुरू करेंगे। किंतु हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो है NCERT, है ना। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हम लोग NCERT वर्ड टू वर्ड क्लियर कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि कोई यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यदि वो लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उसका जिक्र यदि NCERT में नहीं किया गया है तो हम लोग उसकी भी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं। किंतु पहला उद्देश्य होता है कि जो NCERT है उसको पूरा 100% क्लियर करना। तो चलिए हम लोग आगे की बात शुरू करूँ, उससे पूर्व हम लोग कल की कुछ इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग कोशिका पर आगे चर्चा कर सकें। पहला बिंदु मैं पूछना चाहता हूँ कि केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य क्या है। तो केंद्रक द्रव्य क्या है आपको पता होना चाहिए। केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को, केंद्रक जो होता है, केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक की मेम्ब्रेन और कोशिका की मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित कोशिकांग युक्त तरल पदार्थ को, केंद्रक की मेम्ब्रेन और कोशिका की मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली के बीच उपस्थित कोशिकांग युक्त तरल पदार्थ को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोई पूछता है कि जीव द्रव्य क्या है, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और वास्तव में कोशिका का जो जीवित भाग है वो जीव द्रव्य ही है। तो अब देखिए यहां से जीव द्रव्य क्या है, केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रक की मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक की मेम्ब्रेन और कोशिका की मेम्ब्रेन, केंद्रक की झिल्ली और कोशिका की झिल्ली के बीच उपस्थित कोशिकांग युक्त तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि जो हमारा शरीर होता है, हमारी शरीर में जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं। किंतु लगभग अधिकांश कोशिकांग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग अधिकांश कोशिकांग जो होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। किंतु एक कोशिकांग का नाम जरा बताइए आप लोग जो झिल्ली युक्त नहीं है और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। एक का पूछ रहा हूं मैं, आप कहोगे सर हमने पढ़ रखा है, वो हो गया राइबोसोम। क्या हो गया, राइबोसोम। आप कहोगे सर एक बात बताइए कि राइबोसोम है क्या। राइबोसोम जो होता है, पहली बात तो राइबोसोम होता किसमें है, यूकैरियोटिक में होता है कि प्रोकैरियोटिक में होता है। आप कहोगे सर ये यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। दूसरी बात, राइबोसोम क्या दोनों में समान होते नहीं। यदि यूकैरियोटिक की बात होगी तो राइबोसोम होगा 80S राइबोसोम होता है, और यदि प्रोकैरियोटिक की बात होती है तो राइबोसोम 70S होता है। अच्छा, अब बात आती है राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम जो होता है ये कहां पाया जाता है। तो याद रखना, राइबोसोम जो होता है आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, हरित लवक में देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य में देखने को मिलेगा, और कहां देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलता है ये ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किंतु हां, यदि जंतु कोशिका है, यदि जंतु कोशिका है तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। यदि सेल कैसी है, जंतु की है, और यदि कोशिका पादप की है तो राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, हरित लवक में मिलेगा, कोशिका द्रव्य में मिलेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपको।
याद रखना, भूलना नहीं आपके। राइबोसोम क्या है, क्या कहानी है, एक एक बात क्लियर करनी है आपको। राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। राइबोसोम कहां कहां मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, कोशिका द्रव्य और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मिलता है, है ना। और इसके बाद जो राइबोसोम होता है, यदि पादप कोशिका के अंदर पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, हरित लवक भी होगा, कोशिका द्रव्य भी होगा और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होगा। किंतु यदि वो जंतु कोशिका की बात कर रहा है तो राइबोसोम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, कोशिका द्रव्य में मिलेगा और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मिलेगा। घबराइए मत, मैं राइबोसोम पर पूरा लेक्चर बताऊंगा। आप जब कोशिकांग पढ़ोगे तो आप राइबोसोम पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है, बिल्कुल बात ठीक है। यह बात मैंने बता दी, कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है ना, शुरू में ही बता दिया था। दूसरा क्या है, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों, हरित लवक पौधों में और वह सूत्रकणिका व खुरदरी अंतः प्रतिबिंब जालिका मिलता है। हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखना, यदि यदि राइबोसोम पूछा जाए कि राइबोसोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में तो मिलता है, किंतु एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कौन सी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मिलता है, तो याद रखना राइबोसोम के आधार पर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। चलो मैं स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पर। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा जाए तो राइबोसोम के आधार पर, याद रखना यह भी बात, राइबोसोम, यदि मैं बात करूं राइबोसोम, तो राइबोसोम यदि उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, तो RER होगा, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोले तो खुरदरी अंतः प्रतिबिंबी जालिका। और यदि राइबोसोम अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो SER होगा, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोले तो चिकनी अंतः प्रतिबिंबी जालिका, चिकनी अंतः प्रतिबिंबी जालिका। और एक सबसे अच्छी बात है, राइबोसोम जो होता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, राइबोसोम जो होता है तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होता है, लेकिन किसमें, आप कहोगे सर राइबोसोम होता है RER में, यानी खुरदरी अंतः प्रतिबिंबी जालिका में, SER में नहीं होता, यह भी याद रखना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया है, RER, SER, किसके आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से नाम दिए गए हैं, है ना। तो अब बात आती है कि जो इसमें से दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनके तैयार हुई हैं, एक है RER, एक है SER, इसमें कौन सी प्रोटीन बनाएगी। तो फटाक से कहोगे जिसमें राइबोसोम होगा वो प्रोटीन बनाएगी, जिसमें राइबोसोम नहीं होगा वो प्रोटीन नहीं बनाएगी। तो राइबोसोम किसमें होता है, RER में, तो RER किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, जबकि SER प्रोटीन का निर्माण नहीं करती। फिर कहोगे सर किसका निर्माण करती है, याद रखना लिपिड का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट कई बार में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, किसका निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है, जबकि ये RER जो है इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का निर्माण करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्रक और अन्य अंगक मिलते हैं, कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, याद रखना। अब एक बात आती है कि सर जो झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं वो तो कई सारे हैं, कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे, किंतु झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है, है ना। झिल्ली रहित कोशिकांग क्या ओनली में राइबोसोम ही नहीं, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन है, पहले मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो झिल्ली रहित कोशिकांग नंबर एक हो गया आपका राइबोसोम, कौन हो गया, राइबोसोम। दूसरा हो गया आपका केंद्रिका,
तीसरा हो गया आपका तारक काय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, सॉरी क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं, याद रखना ठीक है, क्योंकि तारक काय सेंट्रोसोम ठीक है। अब मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तो प्रोकैरियोटिक में होता है अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड, ये प्रोकैरियोटिक में ऐसे कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होते हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांग कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4 है ना, और ये आपको यूकैरियोटिक मिलते हैं। हाँ प्रोकैरियोटिक में और आपको राइबोसोम और मिलेगा, राइबोसोम ठीक है ना, लेकिन आपको कितने हो गए 4, 1, ये तो बात समान हो गई है ना, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 कोशिकांग याद रखना जो झिल्ली रहित होते हैं, और ये चारों एनसीईआरटी में पढ़े थे। चलो तो वही लिखा हुआ है, अब ये क्या होते हैं है ना, राइबोसोम क्या है, केंद्रिका क्या है, तारक काय क्या है, यानी सेंट्रोसोम क्या है, सब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, आप लोग वीडियो पढ़ते रहिए, चैनल को ध्यान से देखिए, एक एक वीडियो, एक भी दिन, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। आगे क्या लिखा है, अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, यानी कुछ कोशिकाएं हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, जो माप के आधार पर अलग अलग तरह की होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बात करता हूं, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, बिल्कुल बात ठीक है, माइकोप्लाज्मा आपको 3 नामों से पुकार सकते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये हो गई माइकोप्लाज्मा, इसको हम लोग PPLO MLO, चलिए कमेंट बॉक्स में दोनों के फुल फॉर्म बताना, ये आपके लिए वर्क हो गया, दोनों के फुल फॉर्म बताना है ना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, माइकोप्लाज्मा, PPLO, MLO ठीक है। चलिए दूसरी बात, माइकोप्लाज्मा जो होती है ये कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आरएच विटेकर के अनुसार माइकोप्लाज्मा को किस में रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। आप फटाक से कहोगे कि माइकोप्लाज्मा को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, किस में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। अब सबसे अच्छी बात है कि मोनेरा में सभी के सभी जितने भी जीव रखे गए हैं सबके पास कोशिका भित्ति उपस्थित है, किंतु माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किंतु याद रखना इसको जीवाणु कहेंगे, बैक्टीरिया कहेंगे इसको, बैक्टीरिया कहते ही कहते हैं ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा पर मैंने आपको काफी बिंदु बता रखे ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है आपको क्लियर हो गया ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अरे चलो कोई बात नहीं, इसका नाम आपने सुन लिया है ठीक है, इसका नाम हमको बता सकते हो फिर भी कमेंट करके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिक ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, अब एक का नाम कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है। दूसरी बात क्या हो गई, ये प्रोकैरियोटिक होती है ठीक है। तीसरी बात क्या हो गई, ये मोनेरा के अंतर्गत आती है ठीक है, मोनेरा में रखा गया है। चौथी बात, एक कोशिका भित्ति इसके पास नहीं होती है, और अंतिम बिंदु ये हो गया, बैक्टीरिया होता है ठीक है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब एक बात और बताइए, यदि आपसे कोई पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो ये सबसे छोटी कोशिका भी है, सबसे छोटी कोशिका, इसका माप याद रखना, इसका माप कितना है जो एनसीईआरटी में दिया गया 0.3 माइक्रोमीटर, यही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 0.3 माइक्रोमीटर इसकी
माप जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी बिंदु बता रहा हूँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, है ना, किसी ना किसी रूप में ये यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आता ही रहा है। ठीक है, याद रखना, वो पूछ सकता है छोटी कोशिका क्या है, आप यदि इतना रट कर जाओगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूजन पड़ जाओ, ये दो नाम रख दे, है ना, वो तो इंटेलिजेंट है, आपका शत्रु है एग्जामिनर, है ना, तो उससे लड़ने के लिए आपको प्लस होना पड़ेगा, आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, उससे शक्तिशाली होना पड़ेगा, है ना। और किसी से कुश्ती करनी हो तो क्या करना पड़ता है, अच्छे से, लोग कहते हैं अच्छा पौष्टिक भोजन कीजिए, अच्छा और क्या करें, अच्छे से कसरत वसरत कीजिए, और क्या करें, योगा करो, और क्या करें, अरे जिम तो भूलना ही नहीं है, बहुत लोग जिम करते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं, कर सकते हो आप लोग, है ना। तो इसीलिए एग्जामिनर से लड़ने के लिए, अब एग्जामिनर से लड़ने के लिए जिम मत करने चले जाना, ठीक है ना, तुम अच्छे से मम्मी से को ऐसा करो, नीट का एग्जाम आने वाला है या फिर अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा करो आज से एक लीटर दूध हमारा अकेले हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको इन बुकों को क्लियर करना है, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, आप एग्जामिनर से जीत जाओगे। इतना सारा मैंने आपको बता दिया। अब एक बात आती है कि सबसे छोटी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति होती वो बता दो, इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, किंतु वो कोशिका बता दो जिसके पास कोशिका भित्ति होती है और सबसे छोटी है, तो वो कौन है, उसका आंसर आपको याद रखना है डाइलिस्टर प्यूमोसिस्टर, डाइलिस्टर प्यूमोसिस्टर। है ना, डायलिस्टर प्यूमोसिस्टर ऐसी कोशिका है जो सबसे छोटी है, किंतु याद रखना उसके पास कोशिका भित्ति है, है ना, लेकिन माइकोप्लाज्मा से छोटी नहीं है, याद रखना सबसे छोटी तो है किंतु कब छोटी है, उसके पास कोशिका भित्ति लगा के एग्जाम जब क्वेश्चन पूछे तब आपको बताना। वो पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका किंतु उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्यूमोसिस्ट, आपका तब आंसर होगा डाइलिस्टर प्यूमोसिस्टर। किंतु यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आपका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका जंतु में, तो जंतु की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तब आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा जंतु की सबसे बड़ी कोशिका है, है ना, जंतु की सबसे बड़ी कोशिका है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताओगे आप लोग, सबसे बड़ी पादप की कोशिका कौन है, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है, तब आपका आंसर होगा एसिटेबुलेरिया, यह सबसे बड़ी एक पादप कोशिका यह शैवाल होता है, एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो क्या होगा, एसिटेबुलेरिया, ठीक है, एसिटेबुलेरिया जो है वो सबसे बड़ी पादप कोशिका है। अब यदि आपसे कोई पूछता है सबसे लंबी जंतु कोशिका बता दो, सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन है, तब आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, कौन है, तंत्रिका कोशिका, जो कहां से आपके पैर के अंगूठे से आपके सिर तक आती है, याद रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, यानी सबसे लंबी होती है ना, और वो भी कौन होती है, मोटर तंत्रिका कोशिका होती है, याद रखना कौन होती है, मोटर तंत्रिका कोशिका होती है ना। अभी तो कोई पूछता है कि सबसे लंबी पादप कोशिका, तो फाइबर रेमी है, क्या है, फाइबर रेमी है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्या है, फाइबर रेमी है, है ना। और सबसे लंबी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे लंबी प्रोकैरियोटिक कोशिका है स्प्रीलम वोलूटन, स्प्रीलम वोलूटन सबसे लंबी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सबसे लंबी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन है, स्प्रीलम वोलूटन, स्प्रीलम वोलूटन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यदि मैं पूछ दूं कि सबसे बड़ी मानव की कोशिका कौन सी है, मानव की तो क्या है, अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, ये भी आपको पता होना
बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने आपको काफी माप बताई जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, एक बड़ा डाउट होता छात्रों को, बड़ी और लंबी, वैसे कॉमन सी बात है, काफी लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसको बड़ा मान बैठते हैं, ये बड़ी हो गई है ना और ये लंबी हो गई है ना। ये देखो लंबी तो ऐसे देखा करो, बड़ी तो आकार में देखा करो है ना, और छोटी वो तो फिर छोटी होगी ही होगी है ना। तो थोड़ा ये चीजें क्लियर रखा करो, काफी लोग लंबी को ही बड़ी मान बैठते हैं है ना, ऐसा नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है ना। तो सबसे लंबी सबसे बड़ी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे क्या लिखा है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, बिल्कुल बात ठीक है, पता हो गया होगा। जीवाणु ये बैक्टीरिया भी होता है जो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, किंतु माइक्रोप्लाज्मा कितना नहीं होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका जो जंतु की पूछे तो कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। ठीक है, एक बार में आप लोग इनको नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की शुरुआत करूं, फिर भी यदि आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं एक लेक्चर हमारा बना हुआ है कोशिका की माप, उसका मैं लिंक आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, उस लेक्चर को पढ़िए, आपको सबकी माप विधिवत देखने को पढ़ने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको बताने प्रयास किया है, आपका विधिवत लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसका मैं लिंक आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ पे जाइए आपको कोशिकाओं की माप देखने को मिल जाएगी।